हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो जीटा वेरिएंट का। तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स और ऑन रोड प्राइस के बारे में। पूरा डिटेल रिव्यू है, इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं। सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा इसका टॉप वेरियंट है। एटी में भी यानी ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं ये गाड़ी। तो इसमें आपको ये जीटा वेरिएंट है, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, साथ में डीआरएल मिलते हैं आपको, इसमें कंपनी फिटेड मिलते हैं डीआरएल। इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं इसके, फॉग लैम्प कंपनी फिटेड मिलता है इसमें। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें, और लोअर ग्रिल आपको ब्लैक ही मिलती है। बात करेंगे व्हीलों की, अपोलो के टायर दिए गए हैं इसमें। अलॉय व्हील मिलेंगे आपको, डुअल टोन में मिलते हैं अलॉय व्हील और अपोलो के टायर मिलेंगे, जिनका साइज़ है 195, 55 और 16 इंचेस के व्हील दिए गए हैं इसमें। और ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलते हैं आपको इसमें। तो ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। सिग्मा अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलेंगे, स्टील व्हील मिलता है अगर आप सिग्मा वेरियंट लेते हैं इसका। और डेल्टा वेरिएंट में आपको ब्लैक व्हील मिलते हैं, प्लस व्हील कवर मिलेंगे उसके साथ, सिल्वर व्हील कवर। जीटा और अल्फा में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। करेंगे डायमेंशन की, तो 3995 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1745 mm की, हाइट है 1510 mm की, व्हील बेस है 2520 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, कर्व वेट है 880 kg का, टर्निंग रेडियस है 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस है। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की दी गई है। बात करेंगे माइलेज की, तो इसमें आपको 21.4 kmpl की माइलेज मिलती है जो कि कंपनी क्लेम करती है। बात करेंगे प्राइस की, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 7,34,000 इसका एक्सशोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की बात करें 8,23,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। बात करेंगे सस्पेंशनों की, फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टर टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन आपको टोरिजन बिम टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। बात करेंगे कलर वेरिएंट के, 7 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है ये गाड़ी, जिसमें पहला है ऑटोमन ऑरेंज, नेक्सा ब्लू, रे ब्लू, मैग्मा ग्रे मेटलिक, रेड प्रीमियम, सिल्वर मेटलिक, पैरेलल आर्टिक वाइट। तो ये 7 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है ये गाड़ी। बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विद AVD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा आपको इसमें, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग रिमोट की मिलती है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। तो सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साइड मिरर बटन इंडिकेटर क्रोम आपको मिलता है, डोर हैंडलों पे भी टच बटन के साथ देख रहे हैं आप। और ये रियर प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी के, रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। ये रियर में आपको बलेनो की बेजिंग दी गई है क्रोम फिनिश के साथ देख रहे हैं आप। और इसमें आपको एंटीना दिया गया है रूफ के ऊपर, स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए हैं, डिफोगर के साथ रियर वाइपर भी दिया गया है इसमें। और इसमें आपको बलेनो की एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ रियर पार्किंग कैमरा अल्फा वेरिएंट में मिलता है, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं रियर के बम्परों पर, 4 पार्किंग सेंसर और 2 रिफ्लेक्टर दिए गए हैं जो कि रियर के बम्परों पर देख रहे हैं आप। और इसमें आपको यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे, और फ्यूल भरवाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरे साइड से भी क्रोम के हैंडल मिलेंगे टच बटन के साथ दिए गए हैं, 4 डोर हैंडल आपको क्रोम के मिलते हैं इसमें, आपको 4 डोर हैंडल क्रोम पर मिलेंगे। और चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में, इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, कॉटन फिनिश, पावर विंडो मिलेगा आपको ग्रे फिनिश, और बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं इसमें आपको, और हेडरेस्ट दिए गए हैं इसमें, अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं सीटों को अप एंड डाउन। और अपोजिट देखिए डुअल टोन में मिलती है ब्लैक एंड ब्लू, और यहाँ पर एंकर पॉइंट दिया गया है चाइल्ड सेफ्टी लॉक का, इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो ग्रे फिनिश, बोतल रखने का स्पेस दिया गया, साथ में स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें, ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं रेड फ्लाइट में, और साथ में ही आपको एंकर हुक दिया गया है, और साथ में ही आपको
हेडरेस्ट आपको इसमें चारों सीटों में मिलते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। लेगरूम बहुत बढ़िया है इसका, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। रीडिंग लैंप आपको ऊपर ही मिल जाएगा, देख रहे हैं आप। और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो प्रीमियम गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। और इसमें आपको चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। फ्रंट डोर के इंटीरियर में इसमें आपको इंसर्टनल क्रोम पे दिए गए हैं और साथ में ही आपको कॉटन फिनिश दी गई है, ब्लू कलर में मिलती है। चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक शीशों को भी लॉक कर सकते हैं, साइड मिररों को फोल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों फीचर्स दिए गए, बोतल रखने का स्पेस दिया गया, साथ में स्पीकर मिलते हैं। और ये आप ड्राइवर सीट देख रहे हैं, जिसमें हाइट एडजस्ट और बैक एडजस्ट दोनों फीचर्स दिए गए हैं इसमें ड्राइवर सीट में। और हेड रेस्ट आपको इस चारों सीटों में दिए गए हैं। राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं और साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। नीचे आपको हेडलाइट लाइटिंग के स्विचेस दिए गए हैं। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको SRS एयर बैग दिया गया है, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। ऑडियो कंट्रोल्स को स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए, फोनी कंट्रोल्स दिए गए, फोन उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी आप दे सकते हैं इसमें। टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को अप एंड डाउन। और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी दिया है, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स दिए गए हैं इसमें। राइट साइड में हेडलाइट के लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये आपको डिजिटल डिस्प्ले दी गई, जो कि आपको टेम्परेचर, क्लॉक, किलोमीटर और फ्यूल बीच में शो हो जाएगा। कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं इसमें। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 7 इंचेस का दिया गया है, जो कि इसमें लो फ्यूल शो करता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है शो करेगा, ये देख रहे हैं आप। तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसमें आपको 7 इंचेस का, जिसमें कि आप एंड्रॉइड ऐप का डिस्प्ले इसमें प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हैं, FM AM DRM प्ले कर सकते हैं आप इसमें आसानी से। ऑटो AC दिया गया है इसमें। नीचे आएंगे, USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है इसमें। और यहाँ कंसोल पे कुछ स्पेस दिया गया है और साथ में ही ये रिमोट की मिलती है आपको, ब्लैक कलर की रिमोट की मिलेगी इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। और ये आपको गियर लीवर 5/1 रिवर्स के साथ दिया गया है, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। इसमें आपको ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट दिया गया है कुछ स्पेस के साथ। और एक SRS एयर बैग है, ये ग्लो बॉक्स और इनसाइड हैंडल क्रोम पे ग्रे फिनिश, कॉटन फिनिश, पावर विंडो, बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर मिलते हैं। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैंप। और साथ में ही आपको इसमें डुअल पार्टीशन में दिया गया है रीडिंग लैंप, IRVM इसमें ऑटो दिया गया है, IRVM जो ऑटो मिलता है आपको, ऑटो IRVM दिए गए। ड्राइवर साइड सनवाइजर, वेनेटरी मिरर के साथ दिया गया, ग्रिप असिस्टेंट। इंटीरियर आपने देख लिया इसका, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर देख रहे हैं आप। और यहाँ से फिलर कैप यानी फ्यूल फिलर कैप खोलने का ऑप्शन दिया गया है। और चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। और यहाँ पे आपको देखिए रियर पार्सल ट्रे दी गई है, कंपनी फिटेड मिलती है रियर पार्सल ट्रे आपको इसमें। ये टूल किट वगैरह है गाड़ी की। और ये आपको रीडिंग लैंप लगेज रूम लाइट दी गई है और हुक भी दिया गया है इसमें। और ये आपको स्पेयर व्हील जो दिया गया है, स्पेयर व्हील MRF का दिया गया है स्पेयर व्हील। और 185/65 R 15 इंचेस का ही मिलेगा, 1 इंच छोटा दिया गया है स्पेयर व्हील, देख रहे हैं। इसे 80 की स्पीड से अबव ज़्यादा ना भगाएं, लिखा भी हुआ है। तो ये स्पेयर व्हील 1 इंच छोटा दिया गया है। 339 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें, 339 लीटर का। और चलिए इंजन रूम देख लेते हैं इसका। इसमें आपको ABS एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम इंजन रूम में ही दिया गया है। और बैटरी फ्यूज बॉक्स वगैरह देख रहे हैं आप इसमें। और 1197 CC का इंजन दिया गया है, पेट्रोल इंजन है ये। बात करेंगे पावर के, 82 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 115 Nm की टॉर्क मिलेगी 4000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी बलेनो जीटा वेरियंट का, इसी का रिव्यू आपने देखा, पूरा डिटेल रिव्यू था। ऑन रोड एक्सट्रूम प्राइस मैंने आपको बता दी, दोनों ही प्राइस मैंने आपको बता दिया। एक्सशोरूम ऑन रोड ये 2021 का प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस जो आया वही प्राइस मैंने आपको बताया। अब पूरा डिटेल रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।